अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं जो है ना उठते सारी सुबह सुबह मैंने पकौड़ों का मिक्सचर रेडी किया, क्योंकि आज मेरे अब्बा की बर्थडे थी और आई हैव टू गो होम। तो मैंने कहा यार आंटी अकेली पीछे परेशान होंगी तो मैं उनकी इफ्तारी का सामान रेडी कर जाती हूँ। और आजकल यार मसरूफियत इतनी ज्यादा हुई है कि समझ में नहीं आता ना कि जैसे रमजान अभी स्टार्ट हुआ है तो कोई रूटीन सेट नहीं हो रही प्रॉपर। मैं काफी दिनों से मम्मी की तरफ भी नहीं गई थी तो मैंने कहा चलो इसी बहाने एक चक्कर लगाती हूँ। और सबसे मजे के बाद आज सुबह उठते ही जो मेरे दिन की शुरुआत हुई थी ना, वो इससे हुई थी कि मुझे पता लगा 2 किलो वजन कम हो गया। ये वो प्रोडक्ट है जो मैं आप सब लोगों को मशवरा दूंगी कि आपने लाजमन इस्तेमाल करना है अपनी रूटीन में, चाहे आपको स्वेटिंग होती है आपको नहीं होती, इट डजंट मैटर। सर्दियां गर्मियां आप लोग लाजमन इसको अपनी रूटीन में इस्तेमाल रखा करें। कुछ चीजों के ऊपर ना बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, तो उसमें से एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये रोलर मुझे इसलिए भी बहुत अच्छे लगते हैं कि यार आप एक दफा लो और मेरे ख्याल से ना तो ये कम से कम 3-4 महीने कहीं नहीं जाते, चलने को तो 6-6 महीने भी चलते रहते हैं। और उसके बाद आपको जितनी मर्जी स्वेटिंग हो रही है ना बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं होगी। यहाँ पे मैं तैयार होने के लिए आई थी लेकिन फिर आवाज आई कि मुस्तफा रो रहा है, फिर मैं भागती हुई गई उसको उठाकर लेकर आई, फिर वो दोबारा सो गया। तो मैंने कहा चलो यार अब दोबारा से तैयारी स्टार्ट करें। अच्छा वैसे तो रमजान अभी स्टार्ट ही हुआ है लेकिन मैंने ना इस पर 2-3 चीजें हैं जो मैंने अडॉप्ट की है और आई वुड आल्सो रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग भी लाजमन करें, जिससे मेरा वेट लॉस में भी हेल्प हो रही है और आपकी अच्छी सेहत भी होती है। बाकी तो यार ऑब्वियसली इबादत वगैरह तो हर कोई अपनी करता है। जिंदगी में पहली बार रमजान में इस बार मैं कोई मीठा पानी शरबत वगैरह इफ्तारी में नहीं बना रही हूँ। सो दिस इज द टिप नंबर 1 कि लाइक हमने शुरू से आदत होती है रूह अफजा वगैरह पीने की, लेकिन उसके बावजूद इस बार पहला रमजान है जिसमें मैंने कोई सरदाई कोई शरबत वगैरह कुछ नहीं बना रही। ये वो कुछ हार्ड स्टेप्स हैं जो आपको अपनी सेहत के लिए अपने घर वालों की अच्छी सेहत के लिए उठाने पड़ते हैं कि लाइक थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल करना पड़ता है। और दूसरा मेन काम मैंने ये किया है कि मैंने चाय में चीनी की जगह कैंडल से रिप्लेस कर दिया। लाइक मैं चीनी डालने की बजाय बस 2 टैबलेट्स को कैंडल डाल लेती हूँ, वो दिल की तसल्ली होती है कि हल्का सा मीठा हो गया, कड़वा कड़वा टेस्ट नहीं आता और वो आपकी चीनी भी मतलब खत्म हो जाती है। मैं मीठे की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, मुझे तो ये होता है खाने के बाद ना मुझे मीठे की बकायदा क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है यार मुंह मीठा करे। तो मैंने सिर्फ चाय में चीनी छोड़ी हुई है लेकिन अगर ऐसे मेरा दिल करे ना कुछ खाने का लाइक कोई भी डेजर्ट वगैरह बनाओ तो वो मैं ले लेती हूँ। और एक और काम जो मैंने जिंदगी में पहली दफा इस रमजान में किया है ना, मैंने कोई फ्रोजन आइटम्स नहीं मंगवा के रखे ना ही मैंने कुछ बना के रखा है। मीन्स जो हम लोग फ्रीज कर लेते हैं आइटम्स, पैटीज हो जाती है, समोसे रोल, सबसे पहले हम लोग लाजमन किया करते थे हर साल रमजान में, मतलब पकौड़े समोसे चिकन रोल ये तो मस्ट है ना। लेकिन इस बार मैंने सोचा ये जितनी ज्यादा फ्राइड चीजें खाएंगे तो फिर फायदा तो है नहीं, लाइक फिर वेट तो नहीं लॉस होगा, इनफैक्ट वो नुकसान ही देती हैं आपको तली हुई चीजें। अच्छा मजे के बाद लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि रमजान में हमें कमजोरी हो जाती है और मतलब वजन कम हो जाता है और हम लोग इतना हंसते थे, हमने कहा नहीं हमारा तो नहीं होता, हमारा तो वही का वही खड़ा रहता है, इनफैक्ट बढ़ ही जाता होगा। तो इसकी मेन रीजन यही होती है कि हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह का होता है, हम इतनी तली हुई चीजें खा रहे होते हैं, इतने मीठे शरबत पी रहे होते हैं। तो इस बार जो वाहिद चीज मैंने रमजान प्रेप पे की थी ना वो ये कि एक पालक वगैरह काट के रख ली थी पकौड़ों के लिए, क्योंकि यार पकौड़ों में ना कोई भी नहीं रुकता, लाइक मैं भी मुझे फिर होता है कि यार अब सारा कुछ तो ना कट करूँ। और इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखा है, दैट्स ऑल। तो ये जो क्लिप इतना लंबा हुआ है ना, मैंने सिर्फ इतनी सारी बातें करनी थी तो मैंने कहा यार अच्छा चलो अब इसी क्लिप के साथ जो है ना ये कर लूँ। और मैं मतलब वैसे कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं खड़े होकर ना मेरे फेस पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस हुई हुई थी तो मैं उसको सेट कर रही थी। और हाँ सच, आज थी फिर मेरे अब्बा की बर्थडे और अम्मी लोग इतने दिनों से फोन करके कह रहे थे कि आई नहीं, मैंने कहा चलो फिर आज चलते हैं। और ये मेरा रूम कॉर्नर जो मैंने सेट किया हुआ था एज अ स्टूडियो, इसके लिए मैंने 1-2 चीजें और मंगवाई हुई है, वो भी जब आएंगी ना फिर मैं आप लोगों को डिटेल से दिखाऊंगी। बाहर ये पूरी सेटिंग की जो है ना मैंने इस व्लॉग में नहीं डाली, मैंने एक ऐसी शॉर्ट रील बनाई थी जो इंस्टा पे शॉर्ट्स में अपलोड की थी मैंने। अच्छा और कुछ डेज होते हैं ना व्हेन यू आर नॉट फुली सैटिस्फाइड विद योर लुक, टुडे वाज वन ऑफ दोस डेज कि मुझे ना मैंने सूट वगैरह पहन लिया और मुझे ऐसे लगे कि यार मजा नहीं आ रहा, क्योंकि उसने ऐसी कोई फ्रॉक स्टाइल सिया हुआ था कि लाइक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था ये डिजाइन टेलर ने जो सिया था। दिस इज माई नोट फॉर लाइफ कि मैंने आज के बाद ये छोटी बेटी के फ्रॉक वाले सूट कभी नहीं सिलवाने। तो इतना मैं तैयार भी हो गई थी, मिस्वा भी उठ गया था, अभी वो थोड़े थोड़े नींद में था तो मैंने कहा फटाफट इस मौके का फायदा उठाऊं और इसके नेल्स काट लूं। और उसके बाद मैंने नमाज वगैरह पढ़ी और बस फिर इसके बाद हम लोग को निकलना था। हम लोग जब छोटे थे तो मेरे अम्मा अब्बा ने कभी हमारी कोई बर्थडे मिस नहीं की थी, लाइक ऐसे नहीं होता था क्योंकि हम कोई बहुत बड़ी ग्रैंड सेलिब्रेशंस करते थे, लेकिन नहीं बट केक वॉज मस्ट है। तो मैंने सोचा यार मैं खाली हाथ नहीं जाती, पहले अब्बू के लिए एक सूट ले लेती हूँ, आगे ईद भी आ रही है। फिर मैंने अपने फादर और फादर इन लॉ दोनों के लिए सेम सूट लिया और मेरे ख्याल से ना ये कोई पहली दफा हो रहा होगा जब मैं टाइम से उनके घर जा रही हूँ, वरना नॉर्मली मैं रात को 10 बजे एंटर हो रही होती हूँ, मतलब मेरी रूटीन ही ऐसे है। और मुस्तफा की इतनी दोस्ती है अपने मामू से, लाइक वो इतने शौक से जिशान भाई के पास जाता है, मैं खुद हैरान होती हूँ कि वो किसी के पास नहीं जाता। और उसके मामू मामी से तो बड़ी दोस्ती है। बहुत
तुम्हारी मामा किधर है? कल मैचिंग तो नहीं लिए पहले लाए हुए मेरे ख्याल से मेरे पास अच्छा मैं की बात बताती हूँ, खतीजा के पास फोन था, कहती आप ही मैं अंदर जाके खड़ी होगी, आप फिर आना, आप फिर मिलना, मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा देखो जरा प्री शूट हो रहे हैं। और बस फिर अफ्तारी वगैरह की, पहले तैयारियां की, फिर अफ्तारी की। मुशा मुस्तफा जो मुझे भूख मत लो, इसकी फोटो तो बनाओ इसके वाले, इसके नीचे से। अरे भाई हैप्पी बर्थडे, खदीजा चोरी उठाई, हैप्पी बर्थडे टू यू मोहम्मद मुस्तफा जो। और हम लोग ना हंस रहे थे कि हमारे घर का ना ट्रेडिशन रहा है कि जब भी हम कोई केक लाते हैं या कोई केक काटने लगते हैं ना, तो हमारा कोई ना कोई बच्चा बीच में हाथ मार रहता है। और एज यूजुअल इस बार भी मुस्तफ़ा ने नीचे से सीधा आके केक में हाथ मार दिया। तो खैर बस यार, ये हम लोग सिंपल ऐसे सीन में बैठे हुए थे पिछले वाले में ना, तो हमने कहा चलो यार यहीं पे अब केक काट ले। और मज़े की बात, जब मैं अब्बू को केक खिलाने लगी ना, तो उन्होंने वो बाकायदा वो इंसुलिन लगा रहे थे उस टाइम मज़े से बैठे। चलो भाई नहीं, तो मैं बता रही थी कि हमारे अम्मा अब हमारी बर्थडे लाजमन सेलिब्रेट करते थे, तो अब हम उनकी लाजमन करते हैं। मेरा तो दिमाग ही इफ्तारी के बाद चाय पीने के बाद खुलता है। कुछ महीनों पहले ना मैं इन लोगों को बता रही थी, मैंने कहा यार जब मैं अम्मी की तरफ जाती हूँ ना, तो ये ना सोचा करो मैं पता नहीं कितना एंजॉय करके आ रही हूँ, मैं बस इन दोनों का खप खपेड़ा सुनकर आ रही होती हूँ। मतलब ये हमारे दोनों बच्चे ऐसे रोते रहते थे, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अब बड़े सेट हुए हैं। पहले मुझसे रोता था, अब मुस्तफ़ा, और फिर अब्बा जी मुझे ऊपर लेकर आए और मुझे अपने फूल दिखा रहे हो। उन्होंने एक छोटे से सेन के अंदर ऊपर फूल ही फूल लगाए हुए हर किस्म के गमले में। मतलब उनको अगर कोई खाली टब भी पड़ा हुआ मिला ना, तो उसमें भी उन्होंने अपना, जैसे उनको मौका लगा उन्होंने पौधे लगा दिए। जब मैं घर जाया करती थी ना, तो अम्मी गुस्से में बैठी होती थी कि ये जो है ना ऊपर मिट्टी मिट्टी की हुई है, सारे पौधे ही पौधे लगाए पड़े हैं, हमारे धूप में धूप सेकने की जगह नहीं बची हुई। और अब इतनी खुश हो रही होती है क्योंकि वहाँ सारे फूल लग गए, और वो छोटे से उसमें ना ऐसे तकरीबन 100-150 फूल लगे हुए थे। और अब्बा वो सो एक्साइटेड कि मुझे स्पेशल ऊपर लेके गए, उन्होंने मुझे अपने एक एक गमले एक एक पौधे, यहाँ तक कि मैं देख रही थी वो जो फ्रूट वाली बास्केट्स होती है ना, उनमें भी उन्होंने ना वो लगा के उसके अंदर भी पौधे लगाए हुए थे। गार्डनिंग नो डाउट वैसे तो बड़ा मज़े का शौक है, लेकिन यार बहुत मेहनत लगती है इसमें, और मेरा इतना दिल चाहता है कि मैं भी अपने सेन में लगाऊँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अल्लाह मेरे से नहीं हो गया। चलो हमारा जान इधर देखो, ये बताऊं मैं, देखो फूल तो देखो ना कितना बड़ा, माशाल्लाह। गेंदे का फूल जो है ना, पता है कितना लगता है? गेंदे का फूल, गेंदे का इतना है तो वैसे ये गेंदे जैसी शक्ल वाला, तो नई चीज है, ये नई चीज है। अच्छा अब तेरी माँ हमें यहाँ रखने जाती है, ये देखो ये फूल का उसका नाम नहीं होता, ये कोई और फूल लगा हुआ। हाँ। ये तो सूरजमुखी का फूल है, सनफ्लावर नहीं, सनफ्लावर होता है पौधा उसका, ये अनार है अलीपुर वाला। अच्छा इसका अंदर से डायमंड की तरह चमकता है, दाने चमकते होते हैं, बहुत और चमकते हैं ये फूल। सही बात है, सूरज की रोशनी में आगे छोटो में और चीज। अच्छा अब ये मज़े की बात सुनाती हूँ, मैं जिस भी कमरे में जा रही थी ना, जिस भी कमरे में, वहाँ पे कोई ना कोई जो मैंने चीज़ें रिकमेंड की हुई है ना, उनमें से कुछ ना कुछ पड़ा हुआ था, जैसे वो वाटर बॉटल, फिर ये वासेज। इतनी मुझे हंसी आ रही थी, मुझे खुशी भी हो रही थी, मैंने कहा देखे लाइक नाउ आई फील लाइक आई एम एन इन्फ्लुएंसर। मतलब बाकी तो सब यार पिक्चर्स में देख के वो देखते ना, ये लोग तो रियल में देख के फिर ऑर्डर करते हैं। ये स्टूल भी जैसे एक अम्मी के कमरे के लिए मंगवाया था, एक मैंने अपने कमरे के लिए मंगवाया था, इसी तरह ये वास, ये फ्लावर्स, सेम टू सेम एक जैसी हम लोगों ने चीज़ें मंगवाई हुई है। तो मैं इतना हंस रही थी, मैंने कहा आप लोग मुझे कॉपी करते हो। सिमिलरली ये ब्लैक वाला कप स्टैंड, ये इन्होंने ऐसे किचन में रखा हुआ था, ये एक स्पून स्टैंड, ये सारी चीज़ें मेरी रिकमेंडेशन में थी, और मैंने इनको कहा मैं आज मैं सारी डालूंगी। ये बर्ड केज मेकअप राग भी मैंने अपने लिए ब्लैक ऑर्डर किया था, ऐशा भाभी का वाइट है, इसी तरह इनके भी वासेस, फ्लावर्स, वाटर बॉटल्स, ईच एंड एवरीथिंग। और मैं इन सारी चीज़ों की जो कलेक्शन है उसका लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट इन केस इफ यू गाइज वॉन्ट टू आस्क, बिकॉज यार फिर अलहदा अलहदा सबको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद ना एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपका ना अपने घर में दिल लगता है, लाइक आप
मम्मी के घर जाते हो ऐसे मेहमान, बस एक दो थोड़ी सी देर रखे और फिर बंदे का दिल करता है कि नहीं बस वापस अपने घर। तो खैर नो डाउट माशाल्लाह ये बहुत बड़ी नेमत है कि आपका अपने घर में दिल लगे। इतना बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया और सब्सक्राइब लाजमन करके जाना।